प्रिय छात्रों, यूपी डीएलएड में आपको पता है कि प्रथम सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। और पिछले 2 सालों से देखा जाए तो डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पूर्व में बीटीसी कहा जाता था, इसमें एडमिशन लेने वालों का जो इंटरेस्ट है क्यों घट रहा है, भगवान जाने काहे को घट रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सीटें भरना मुश्किल हो गई है, तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पिछले कई वर्ष की तुलना में 2022 में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में परीक्षा में प्रवेश लेने वाले ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। कुल 2,42,200 सीटों के सापेक्ष सिर्फ 1,00,000 सीटें भरना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण 15 जुलाई से दिन और बढ़ाने की तिथि जो है वो क्या की जा रही है, अभी सचिव को भेजा गया है, अनुमति मिलने पर दिन बढ़ाया जाएगा तारीख। जिनको नहीं पता उनको क्लियर कर दें, पहले ये डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश की ऑनलाइन तिथि 6 जुलाई थी, जिसे 15 जुलाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है कि 15 जुलाई कर दिया जाए, अभी आदेश नहीं मिला है, अभी सचिव को भेजा गया है। और ये 15 जून से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कराया गया है, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है। अभी ये सिस्टम है। और आपको बता दें कि सन 2019 में 1,82,761 और सन 2018 में 1,65,371 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। वर्ष 2017 की स्थिति में जो है अगर बात करें तो 2017 में लगभग 2,00,000 बच्चों ने एडमिशन करवाए थे नामांकन, लेकिन ये हालत अब गड़बड़ हो रही है। कमेंट करके बताइए कि क्या आप या आपके घर में कोई डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है, पीटीसी करना चाहता है? अगर हाँ तो कमेंट करिए। अगर आप प्रयागराज या आसपास से हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हम सजेस्ट करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो, और काफ़ी अच्छा रहेगा फिलहाल हमारी तरफ से। आप कमेंट जरूर करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। तिथि बढ़ने वाली है, अगर आपने निराश हो चुके थे कि भाई 6 तारीख तो बीत रहा है, अब नहीं कर पाएंगे एडमिशन, नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम थी, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, सप्ताह भर का और टाइम मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर जागरण का ई पेपर से मैंने आपको दिखाया, दैनिक जागरण मीडिया का रिपोर्ट थी। पेज नंबर की बात करें तो वो भी बता देते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज संस्करण पेज नंबर 6 और 6 जुलाई का ये खबर। थैंक यू।